एक साथ खाना बनाते हैं जी। एक और दो साथ खाते हैं। सिर्फ एक टाइम खाना बनता है दिन में, एक टाइम बनाता रात में नहीं। ने राशन पानी तो क्या बनाएंगे। आज हमारी टीम इस स्लम में विजिट कर रही है और ये स्लम है जहाँ पे करीब 50-60 परिवार रहते हैं और किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आज हम आए इन लोगों से बातचीत करने के लिए, तो देखते हैं किन परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं। और दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे, कम से कम 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे और लोग ये कच्ची झुग्गियों में रह रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ तरपाल डली हुई है झुग्गी के ऊपर, आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या ही गर्मी रोक पाती होगी। और इसके नीचे कितनी ज़्यादा हीट है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े, हमें पता है कि हम किस तरीके से खड़े हैं और इन लोगों को तो यहाँ पे पूरा दिन रहना पड़ता है, तो इमेजिन कीजिए कितनी परेशानियों के लोग गुजारा करते हैं। आइए इनसे बातचीत करके देखते हैं अभी क्या परेशानी आ रही है आपको। परेशानी तो बहुत है भैया, कि ना काम है ना धंधा, कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है। अभी कुछ काम वाम नहीं चल रहा आप कुछ मांगते, ऐसे मांगते चंदेलदारी बेलदारी करते तो खाते हैं। सिर्फ एक साथ खाना बनाते हैं जी, और दो साथ खाते हैं। सिर्फ एक टाइम खाना बनता दिन में राशन पानी तो क्या बनाएंगे। रात में बनता है तो दिन में नहीं, दिन के बनता है तो रात में, एक ही टाइम बना पाते हैं। एक ही टाइम बनाता है, दिन में खाली है तो रात में सब रात। सब लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई बिलदारी करता है। अभी गया है तो यहाँ पर क्या बोलते हैं पार्टी में जो जाते हैं शादी पार्टी जी जी, तो उसमें जाते हैं तो 400 रुपया दिहाड़ी देते हैं, तो 400 में क्या देंगे, साग है सब्जी है उसमें लाते हैं। ये शादी में क्या दिहाड़ी मतलब ओ, जो पार्टी नहीं होता है। हाँ जी, जो शादी वादी होता है उसी में। हाँ, तो काम मिल जाता है तो 400 रुपया देता है, तो उसमें राशन पानी लाते तो उसमें खा लेते, साग सब्जी लाते तो उसमें रोज काम मिल जाता है। रोज नहीं मिलता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी कभी। हाँ, चौक पर जाते तभी आदमी लोग चौके पर है, अभी तो 1 बजते होंगे जी जी, अभी चौक पर बैठे होंगे, अभी काम नहीं मिला तो अभी लेबर चौक पे बैठे जाके काम के लिए, और फिर भी काम नहीं मिल पा रहा। और इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोग कैसे इस झुग्गियों में रहते हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए, बिजली पानी आता है यहाँ पे नहीं, बिजली पानी कुछ नहीं, पानी को लेने जाने पड़ता है, वहाँ दूर जाना पड़ता है, वहाँ दूर जाने पड़ता है। और बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। और गर्मी में छोटे छोटे बच्चे कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। बच्चे शर्ट कहाँ आपकी, नंगे क्यों घूम रहे हो, गर्मी है ठीक, कैसे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, फिर परेशान बहुत होते होंगे। बहुत परेशानी होती है, क्या करूँ, गरीब आदमी को कोई व्यवस्था है, झुग्गी झोपड़ी बोल के जाते कि तुम लोग का देंगे, 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 वो भी नहीं, कोई देते नहीं। को अभी धूप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्चे लोग भूखा प्यासा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लंगा लेके कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब आदमी, कोई मदद नहीं होगा, कोई मदद। हम लोग का यहाँ 35 साल हो गया, लले पर रहते थे हम लोग विकलांग झुग्गी में, पहले झुग्गी, लेकिन 35 साल से यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया जिंदगी में, कोई कुछ। तभी हमें यहाँ पे महिलाएं मिली हैं जो कि यहीं भी झुग्गियों में रहती हैं, इन्होंने काफी सारी परेशानियां हमें बताई हैं। अब हमारी टीम कोशिश करेगी इनकी परेशानियों को अगर हल कर सकेंगे जल्द से जल्द हल करेंगे। और बाकी लोग जो है वो काम के चक्कर में लेबर चौक पे गए हुए हैं और वहां जाके सब लोग बैठे हुए हैं कि ताकि किसी को कुछ काम मिल जाए तो वो दिहाड़ी करके आ जाए। लेकिन क्या है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और इस टाइम पे इनको काम नहीं मिल पा रहा है, सबके सब लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे महीने में कोई 4-5 दिन काम मिलता है जिससे सिर्फ अपना खाना पीना हो पाता है, और वो भी दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। 2 टाइम खाना खाएंगे तो उसके लिए पैसे नहीं है इनके पास, एक ही टाइम खाना खा पाते हैं। तो हमारी गुजारिश आप सभी लोगों से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इनके लिए कुछ मदद भेजें ताकि इनके पास 2 टाइम का खाना हो सके। आप लोग देख सकते हैं गरीब इंसान कितनी परेशानी में गुजरते हैं, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है उन्हें, और किस तरह की परेशानी में गुजरने के बाद वो लोग फिर भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। और इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतनी धूप में रह रहे हैं ये लोग, लेकिन इन तक कोई मदद नहीं आती, कोई इन तक पूछने के लिए नहीं आता है, और इन्हें ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती है। तो हमारी गुजारिश आप सभी लोगों से कि इनके लिए कुछ ना कुछ मदद पहुंचाएं ताकि ये लोग अच्छी जिंदगी जी पाएं और 2 टाइम का खाना इनको नसीब हो पाए।